हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, एक केस है हमारे पास इन्फेरल वॉल MI का। तो आप लोग जानते हैं कि MI के केसेस में अलग अलग जो ECG में चेंजेस होते हैं उसके जरिए हम समझते हैं कि कौन से एग्जैक्ट MI है, इन्फेरियर है, पोस्टियर है, लेटरल है, किस टाइप का है। ECG के चेंजेस हमें बताते हैं और इसकी मदद से, यानी कि सबसे बेसिक जो है ECG के चेंजेस होते हैं और कार्डिक मार्कर्स के जरिए से भी हमको डायग्नोज होता है। लेकिन जो लोकेशन है एग्जैक्ट, इन्फीरियर है या लेटरल है, पोस्टियर है, वो हमें ECG के चेंजेस से पता चल जाता है, लीड्स के जरिए से। तो मेरे पास जो ECG है, पेशेंट की ECG है। दोस्तों, इन्फेरर वॉल MI का ये केस है। चलिए अब एक एग्जांपल ECG देखते हैं जिसमें इन्फेरर वॉल MI के चेंजेस हैं। यहाँ आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ST सेगमेंट एलिवेशन इन लीड सेकंड, लीड थर्ड और AVF, और जो रेसिप्रोकल टेब्रेशन डिप्रेशन है वो लीड फर्स्ट और AVL में मौजूद है। तो ये इस तरह का चेंजेस आप लोग देख रहे हैं इन्फेरर वॉल का। दोस्तों, इन्फेरर वॉल MI के जो ECG चेंजेस को आइडेंटिफाई करना और टाइमली इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है। याद रखना कि अर्ली रिकॉग्निशन से जान बचाई जा सकती है। वीडियो देखे आपने दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही हेल्पफुल क्लिप देखने के लिए हमारे चैनल मेडिकोस लाइफलाइन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।